हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं स्ट्रीक की अल्ट्रा लाइट हाइलाइटिंग किट का रिव्यू करूंगी और ये शेड नंबर 2 है। इसका डिटेल रिव्यू मैं बहुत पहले अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ और आज मैं डेमो दूंगी। तो यहाँ पे इसके स्टेप्स हैं, कैसे यूज़ करना है और कैसा रिजल्ट आएगा वो भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो मैं एक प्लास्टिक के ट्रे में इसको मिक्स करूँगी। तो ये है जो इसके साथ एक ब्लॉन्डर पाउडर मिलता है और डेवलपर है, और 4 से 5 इसके साथ कंडीशनर के पाउचेस मिलते हैं जो आप अपने कलर करने के बाद इससे आप वॉश कर सकते हो। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो मैं यहाँ डेवलपर निकाल रही हूँ, अब इसमें ब्लॉन्डर मिक्स करेंगे और इन दोनों की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। आपके पूरे बाल हाईलाइट हो सकते हैं और अगर आप ब्लॉन्ड करना चाहते हो तो आपके नीचे के सारे बाल जो लेंथ के बाल हैं तो वो अच्छे खासे मतलब कवर हो जाते हैं इतनी सी क्वांटिटी में, तो आपको दूसरा पैकेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने मिक्स कर लिया, एकदम बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका। तो मुझे नीचे अपने बालों को पूरा लेंथ में कलर करना था, मैं कोई हाईलाइट नहीं कर रही हूँ। और ये ब्रश काफ़ी अच्छा है, मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ और अब अपने हाथों से अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने पूरे बालों में लगाना है। तो इस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ और फॉइल पेपर अगर हो तो आप फॉइल पेपर में इसे लपेट सकते हो। वैसे मैंने बाद में इसी ग्लव्स को उल्टा करके इसी में कवर कर लिया था। और इस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ, आपको जिस तरह से हाईलाइट करना है उस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 मिनट तक इसे रखना है, उसके बाद कंडीशनर के साथ इसे वॉश कर लेना है। तो ये था फाइनल रिजल्ट, काफ़ी अच्छे हाईलाइट हुए थे और जो कलर भी आया था वो भी काफ़ी अच्छा था। आपके बाल जब ड्राई होंगे तो ये और ज़्यादा लाइट कलर इसका शो होगा, पहले थोड़ा सा कम शो होता है, बाद में ये थोड़ा सा डार्क मतलब लाइट और शो होने लगता है। तो ये था मेरा पूरा डेमो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, दूसरों के साथ शेयर। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।